Hello guys, none and other is there, one and only Kashish is here. So welcome back to my channel English Winglish. So subscribe करना मत भूलिए मेरे channel को और like कीजिए video को. Oh publicity one, चलिए शुरू करते हैं आज का topic. तो आज का topic है passive voice का part 2. पिछली video में कुछ define करना रह गया था जो कि मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आपको और easily समझ आ पाएगा. कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वॉइस के टू टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो पहले मैं आपको बताती हूँ एक्टिव वॉइस क्या होता है. एक्टिव वॉइस आपको ये तो पता ही है कि टेंस होता है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का मेथड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. तो मेन चीज इसमें ये होती है कि सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब. जो सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इम्पोर्टेंस दी जाएगी और वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा. सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब. ओके, तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती होगी और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है. ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस कर दिया जाता है. ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब एंड सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. ओके, तो आज के लिए ये डिफाइन तो इतना ही होगा. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं. सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी एग्जांपल्स एक्टिव टू पैसिव के. सो ये है हमारे एग्जांपल्स. तो इसमें है आई डू माय होमवर्क. डू फर्स्ट फॉर्म, माय होमवर्क इज ऑब्जेक्ट एंड आई इज सब्जेक्ट एंड माय होमवर्क इज डन. माय होमवर्क इज डन. बाय मी वाला प्रोसेस आप चाहे तो यूज कर सकते हैं वरना ये कंपलसरी नहीं है. इसलिए माय होमवर्क इज डन. ओके, आई एम डूइंग माय होमवर्क. माय होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी या माय होमवर्क इज बीइंग डन. माय होमवर्क इज बीइंग डन. आई डिड माय होमवर्क. डिड सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड है. वर्ब की सेकंड को वॉज वर्ब है. माय होमवर्क वाज डन. My homework was done by me. My homework was done. I was doing my homework. I was doing my homework. ing verb की form. My homework was being done by me. या my homework was being done. I have done my homework. My homework has been done. My homework has been done by me. My homework has been done. तो ये इसके पांच पार्ट्स हैं. अभी इसके पांच पार्ट्स और हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी. तो ये है पांच और पार्ट्स. आई हैड डन माय होमवर्क हैड बीन डन या माय होमवर्क हैड बीन डन बाय मी. आई विल डू माय होमवर्क विल बी डन बाय मी या माय होमवर्क विल बी डन. आई एम गोइंग टू डू माय होमवर्क. My homework is going to be done by me. My homework is going to be done by me. I must do my homework. My homework must be done by me. My homework must be done. I should have done my homework. My homework should have been done. My homework should have been done by me. ये है इसके पांच और parts. तो जैसे कि 10 parts इसमें इतने ही पार्ट्स हो. अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगी जिससे आपको और इजीली समझ आएगा. ये एग्जांपल थोड़ा मेरे टाइप में. तो ये है हमारा एग्जांपल. इसमें ये सब्जेक्ट था दिल, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया और ये ऑब्जेक्ट थी गलती क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आ गई. तो ये एक्टिव में कैसे था, दिल गलती कर बैठा है और पैसिव में हो गया गलती कर बैठा है दिल. एक्चुअली मैं टिकटॉक से यूट्यूब पे आई हूँ ना तो थोड़ा बहुत असर तो रहता ही है और क्लास बहुत ही बोरिंग हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा फन कर लें. ओके ओके ओके, जोक्स अपार्ट तो चलो टॉपिक पर आते हैं.
अब मैं आपको थोड़ा सा वर्ब्स के बारे में बताती हूँ। जैसे कि बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, तो हम इन्हें यूज करते हैं जब एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म दी होती है, और बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वेयर, तो हम इन्हें यूज करते हैं जब एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म दी होती है। फर्स्ट फॉर्म होगा तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होगा तो वॉज वेयर, ये प्रेजेंट का और ये पास्ट का। ओके, क्लियर है? तो हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। जल्दी मिलेंगे नई क्लास के साथ, और अगला टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश में इंग्लिश को, और लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आई। और यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।